अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है वो आसिफ भाई के घर से है, गुजरात सूरत रांदेर से। तो ये तापी रिवर है, रिवर तापी, तापी नदी जिसको बोला जाता है, तो उसके किनारे पे भाई का घर है यहाँ पे। तो जैसा आप वो देख रहे हैं वो कॉजवे है, ठीक है, ये कॉजवे है पूरा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो बाकी सारे पूरे आपको ब्रिज दिखते रहेंगे, ओल्ड सूरत से न्यू सूरत कनेक्ट करने वाले रिवर के साइड वाले। तो ये सिस्टम है और ये हमारे आसिफ भाई है यहाँ पे, तो ये उनका सेटअप है। तो हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं और आपको मैं जोड़े बताता हूँ। कुछ ऐसे जोड़े भी हैं यहाँ पे जो मैंने पूरा बस सोचा था कि वो दिखेंगे कभी, तो वो देखने के लिए यहाँ पे मिले एक जोड़ा, ऐसे बताता हूँ मैं। तो ये फर्स्ट वाला पेड़ देखते हैं यहाँ पे भाई के पास, ये देखिए भाई ये क्वालिटी। और ये आसमान में ठहर के उड़ने वाले कबूतर, ठीक है, स्लो परवाज रखने वाले कबूतर है। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया भाई के पास। तो ये एक और मेल है यहाँ पे बैठा हुआ अभी बच्चों को लेके, ठीक है। तो आसिफ भाई का अभी जो है वो कम्प्लीटली ब्रीडिंग पे फोकस है, तो वो अभी फ्लाइट नहीं ले रहे हैं कबूतरों से, अभी ब्रीड लेंगे पूरी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर वो कोशिश करेंगे कबूतर उड़ाने की। ये एक और पेयर है यहाँ पर भाई के पास, इसे देख सकते हैं आप, ये देखिए कुछ पट्टे भी हैं उनके। और ये भी एक पेड़ है यहाँ पे, और ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है गुजरात की, काले मकोई आँख में, हरी आँख में जो कबूतर होते हैं। आसिफ भाई ये हरी आँख वाले कबूतर हैं यहाँ पे कोई? नहीं, अभी मकोई आँख में। अच्छा, मकोई आँख में भाई के पास है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो ये एक और पेड़ है, इसके भाई बच्चे बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्लो परवाज और काफ़ी ज़्यादा टाइम वाली परवाज देने वाले ये कबूतर, इसके पट्टे निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जर्चे में भी है, ये देखिए भाई जर्चे में वाइट। तो ये पूरे हाई फ्लायर्स ही होते हैं, लो फ्लायर पट्टी वाले नहीं हैं, ये हाई फ्लायर्स में येलो आइज वाले हैं। और ये देखिए भाई माशाल्लाह, इनको क्या बोलते हैं आसिफ भाई? ये मेरे पास में लाल जीरे आ रही है। अच्छा, लाल जीरे, माशाल्लाह क्वालिटी देख सकते हैं कबूतरों की। और पट्टे भी देखिए, देख लीजिए आँख के रिंग रिंग सारी चीज़ देखिए किस तरीके का सिस्टम बना हुआ है, और बहुत ही हवादार सेटअप है, कोई भी तरीके से यहाँ पे ऐसे गर्मी ऐसे सब कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए फीमेल बहुत खूबसूरत भाई जोड़ा माशाल्लाह, ये देखिए ये पेड़ आया हुआ है यहाँ पे। ये एक और पेड़ तो देख लिया आपने, ठीक है, नीचे वाला पेड़ देखते हैं। ये वाइट मकोए में है, इसकी फीमेल कहीं साइड में घूम रही है, ठीक है। उसके साथ हम ये वाला पेड़ देखते हैं माशाल्लाह, ये भी मुझे बहुत पसंद आया, ये मेल स्पेशली, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए भाई मेल, ये देखिए भाई, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी क्वालिटी में भाई ये कबूतर। और यहाँ पे एक और ये पेड़ आया हुआ है, ये कौन से आसिफ भाई अपने छापदार में? छापदार है जी, और रामपुरी क्रॉस पे ना जी, जी सही बात है माशाल्लाह। और ये भाई सब में स्पेशल जोड़ा, जो मैंने इतनी छतें विजिट की है अब तक लाइफ में, पहली बार मैं अप क्लोज देख रहा हूँ। ये भाई निसावरे कबूतर हैं, इनको निसावरे बोला जाता है, ये इराक साइड के कबूतर हैं, बहुत अच्छी हालत में अपनी अवेलेबल है। ये देखने में आपको फैंसी लग रहे होंगे लेकिन इनकी परवाज़ 14-18 घंटे के ऊपर रिकॉर्ड की गई है ऑन पेपर, ठीक है। तो ये निसावरे कबूतर है, ऐन अकबरी अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी इनका मेंशन किया गया है, और काफ़ी सारी जगहों पे भाई इन कबूतरों के बारे में डिटेल्ड रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस किसी के मुंह की बताई हुई बात है या किसी वर्ड ऑफ माउथ पे, ऐसा नहीं है, ये कबूतर परफॉर्म करते हैं। देखने में ये फैंसी लगेंगे, इनका फ्लाइंग पैटर्न जो होता है, आप यूट्यूब पर निसावरे कबूतर अगर टाइप करेंगे तो शायद एक दो वीडियोज़ आपको मिल जाए जिसमें आपको इनका फ्लाइंग पैटर्न दिखेगा। बहुत स्लो परवाज रखने वाले कबूतर है, आसमान में ठहर के उड़ेंगे। इनकी मेन जो है पहचान होती है इनकी दुम का शेप, और इनके जो पर जो नीचे ढलाए हुए होते हैं इन्होंने, और इनके जो पंख दुम में पर होते हैं पूंछ में, वो यूजुअली तो कबूतर के 12 होते हैं, इनके कभी 16 होते हैं, कभी 18 होते हैं, उससे बढ़ के भी कभी कभी किसी केस में दिखाई देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी खूबसूरत क्वालिटी में भाई यहाँ पर निसावरे काले जाख चीने बोल सकते हैं इनको, कलर में ये आए हुए हैं, कांटों वाले भी अगर कोई बोलना चाहते ऐसे तो देख के ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत भाई ये कबूतर है, इंशाल्लाह इनकी जो ब्रीड होगी, ये नया पेड़ आया हुआ है भाई के पास,
तो जब इनकी ब्रीड होगी तो इंशाल्लाह भाई से कांटेक्ट करके पूछेंगे कि इनका क्या सिस्टम बना हुआ है। फीमेल भाई के जहाँ से लाए हैं वहाँ पे उड़ी हुई है तो देखा हुआ है उन्होंने, एकदम स्टेशनरी उड़ान रहेगी इनकी आसमान में, बस ऐसे जैसे बहरी या चील उड़ती है एक ही स्ट्रेट हवा में ग्लाइड करेंगे कबूतर, बहुत खूबसूरत। भाई यहाँ पर एक और पेड़ आया हुआ है भाई के पास, ये जैसा देख सकते हैं आप, तो ये फीमेल है उसकी थोड़ी सी क्रॉस में इम्पोर्ट लाइंस में, और मेल जो हमारा है सारनपुरियों में है, पुकराजी आँख जैसे बोलते हैं ना वैसी वाली इसकी आँख आई हुई है, हल्की सी क्रीम कलर की, ठीक है। यहाँ पे एक और है भाई पैर, ये भी भाई का बहुत परफॉर्मर पैर है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामने ये मेल आया हुआ है, ये भी सारनपुरियों में ही भाई ने मंगाया था, और ये फीमेल इसके साथ लगाई हुई है शाहजहाँपुरी टाइप में, ठीक है। तो सारनपुर शाहजहाँपुर टाइप के जो कबूतर हैं इनका क्रॉस दिया गया है। यहाँ पर भी एक पैर है भाई के पास छापदारों में, ठीक है। ये तो भाई जैसे आपको पता है क्लियरली ये हमारे राजस्थान साइड पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नस्ल पाई जाती है, बहुत अच्छे परफॉर्मर कबूतर होते हैं वो वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाइट में मकोए में एक जोड़ा भाई के पास आया हुआ है, देखिए माशाल्लाह, ठीक है। तो ये पूरे सारे हाई फ्लायर्स ही हैं, और ये भाई सब में स्पेशल वन ऑफ द जोड़ा है, और एक निसाबरों के बाद ये जोड़ा है भाई, ठीक है, लाल वाला, ये भी मकोई आँख में है, बहुत खूबसूरत कबूतर। अगर आप इनको सामने से देखेंगे भाई तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई ये कबूतर ही है क्या है सिस्टम, ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत कबूतर, ठीक है। ये जैसे देख सकते हैं आप, तो ये वन ऑफ दी मोस्ट प्रोमिनेंट नस्ल है यहाँ पे गुजरात में जो पाई जाती है, काफ़ी सारे लोग इस नस्ल का शौक़ करते हैं क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं, एट द सेम टाइम देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पेड़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाल सिर में कबूतर आए हुए हैं, ये एक और पेड़, ये भी उनके परफॉर्मर पेड़ में से एक पेड़ है भाई, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मर पेड़ है भाई के पास। और ये एक और पेड़ है, ये उनके पास फीमेल है, ये भी आप जैसे देख सकते हैं राजस्थान साइड में, ठीक है, टोंग साइड से कबूतर, मेल भी भाई उसी तरीके से है लेकिन इसकी जो आँख है वो जर्ची आँख में है। ये भाई के पास का सब में पुराना कबूतर, ओल्डेस्ट उनके पास जो लाइन चल रही है इस कबूतर की चल रही है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में बताता हूँ, ये देखिए भाई, ठीक है, तो जर्ची आँख में है ये, बहुत खूबसूरत कबूतर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पैर वापस आ गया है नीचे से, तो हल्के कलदुमों में आप देख सकते हैं, तो ये परफॉर्मर कबूतर हैं, ये तो भाई के पास काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए कबूतर है ये, ठीक है। तो उड़ाते थे भाई पहले, अभी तो उनके पास उतना वक्त नहीं है, अभी वो ब्रीडिंग पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ एक और जैसे देख सकते हैं आप, ये भी मेल है, ये भी बड़ा ब्रीडर कबूतर है उनके पास, और यहाँ पे कुछ और सिंगल फीमेल्स है जो घूम रही हैं, ठीक है, थीके? तो इनकी अभी पेयरिंग प्रॉपरली नहीं हुई। ये एक और कबूतर है भाई, बहुत ही खूबसूरत, जर्ची आँख में, ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं इसकी कलर कासनी दुम टाइप में इसका आया हुआ है, ये देखिए भाई माशाल्लाह, ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत कबूतर। साथ में ये एक और छोटे से शॉर्ट बीक में एक फीमेल आई हुई है जर्चे में वाइट वाली, और ये एक शायद पट्टी है यहाँ पे जो निकली है, ठीक है। इस तरीके से भाई का सेटअप बना हुआ है, और लोकेशन भी भाई बहुत अच्छी है भाई की, तो हम अगर बाहर देखते हैं तो भाई जैसे देख सकते हैं आप सारा नदी वाला सेटअप है इधर। और यहाँ पे एक डिसएडवांटेज जो है काफ़ी ज़्यादा वो है कि यहाँ बहरी का बहुत ज़्यादा शिकार है। मैंने पर्सनली तो जो आपको दूसरा वीडियो बताया था उसमें बताया था कि बहरी का लाइव मैंने देखा है हिट होते हुए, तो यहाँ पे भाई बता रहे थे कि ये जो सारे आपको इलेक्ट्रिक पोल्स दिख रहे हैं यहाँ पे आगे, ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स देख रहे हैं आप दूर डिस्टेंस में जो लगे हुए हैं, इन पे भाई बहरियाँ बैठती हैं आके, और वहाँ से भाई ये उठती हैं, और कबूतर जैसे ही आसमान में उठेगा उस पर हिट होता है। तो फिर भी भाई देखिए शौक़ उनका लगा हुआ है, कबूतर जाए तो जाए लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कबूतर को संभालें। तो ये भाई का सेटअप है, थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ, तो थोड़ा हम आसिफ भाई से भी बात करते हैं, भाई क्या सिस्टम है यहाँ गुजरात का, कुछ आप बता सकते हैं कि कबूतरबाजी का कैसे चलता है और परफॉर्मेंसेस कैसी होती हैं यहाँ पे, क्या सिस्टम है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता है यहाँ का परफॉर्म, बहुत अच्छा है कबूतरों का जी। और हमारे कुछ भाई है उनका जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो जी जी, अभी बारिश के बाद में वो उड़ाने वाले हैं, अभी जो ठंड का सीजन शुरू होगा तो वो उड़ाने वाले हैं जी। और मैं भी मेरे हिसाब से जो होगा मेरे घर के पट्टे जी जी पट्टे लगाऊंगा उनको दूंगा, ओके, अगर वो इंशाल्लाह उड़ाना चाहेंगे जी जी तो मैं दूंगा जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ज्यादातर बाजियाँ ठंड वाली बाजियाँ होती है, ठंड वाली बाजियाँ रहती है, गर्मी के सीजन में कोई ज्यादा उड़ाने वाला नहीं रहता, ओके, ठंड में बहुत ज्यादा रहता है वो, सुबह 6 बजे से शाम तक या दोपहर तक में उड़ता कबूतर, बहुत अच्छा लगता है जी जी।
और उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ ऐसा है कि बैरी का जो मार पड़ता है वो अच्छे अच्छे कबूतरों को लेके जाता है, वो लेके बहुत जाता दुख है, होता है, पर वो अब एक शौक है और उनका भी खाना है, उनका भी खाना है, उसको कुछ कर तो नहीं सकते अपन। जी जी जी, उनके नसीब को अगर वो पकड़ के लेके जाते हैं। बस बस वही है। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ कि गुजरात, जो जिन लोगों को पता नहीं है, एक शहर, एक सिटी है, पूरा एक स्टेट है इंडिया का, जहाँ पे रेगिस्तान काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान और गुजरात में। तो यहाँ पे जो कबूतरों का शौक होता है मेनली वो सर्दियों की तरफ होता है, मेनली गर्मियों में भी उड़ाने वाले लोग हैं जो अपना अपना अलग से फेडरेशन बना के या उसके जो है एसोसिएशन बना के उड़ाने लेते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जिसमें लोग ज़्यादा शिरकत से पार्टिसिपेट करते हैं वो सर्दियों का शौक होता है। ठीक है, अभी राइट नाउ तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन पसीना जो है पूरा हाथ पैर पे आप देख सकते हैं हद से ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। जितनी गर्मी होगी साथ में आपको पानी है तो ह्यूमिड काफ़ी हो जाता है सिस्टम, लेकिन फिर भी भाई यहाँ के लोग जो है शौक से पीछे नहीं हटते, धूप कितनी भी हो दाना पानी करते हैं, सब टाइम पे सब चीज़ सेटअप होता है। और यहाँ पे भाई ने इस तरीके से ऐसे सेटअप बना के रखा हुआ है, छोटी सी छतरी भी है, तो इस तरीके से कबूतर उड़ते हैं और वापस आते हैं। तो आसिफ भाई खोलेंगे कबूतर को आप बाहर? चलिए बिस्मिल्लाह, थोड़ी सी देर के लिए खोलते हैं, आप लोग भी थोड़ा कबूतर को सामने से भी देख पाएंगे कि कबूतर कैसे दिख रहे हैं अपने स्टैंडिंग में, क्योंकि जब तो हमने देखा था तो कबूतर जो थे वो अंदर अपने अपने जाल में थे। अभी इंशाल्लाह बाहर आएंगे तो आप देखेंगे। ये देखिए भाई, ये गया, ये भाई देखिए, ये रोलर कबूतर है, ये देखिए अभी रोल मारेगा, ये देखिए भाई रोल रोल रोल, ये देखिए ये रोलर कबूतर है भाई, पल्टर जिसको बोलते हैं ना ये वो है। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ओके, ये देखिए भाई बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो जिन लोगों को रोलिंग कबूतर समझ नहीं आते कि भाई रोलर कौन से कबूतर होते हैं, ये भाई इस तरीके से हवा में कलाबाजी करते हैं, ठीक है, तो इनको रोलर बोला जाता है। तो आप देखते होंगे चैनल पे काफ़ी टाइम पे रोलर कबूतर का वीडियो, रोलर कबूतर बोले जाते हैं, तो ये होते हैं भाई रोलर कबूतर, जो खुलते ही ऐसे मतलब आसमान में ऐसे कलाबाजी करते हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे क्लोजअप में कबूतरों को, ये देखिए भाई माशाल्लाह माशा, ये देखिए भाई किस तरीके का कबूतर है, ये भी हाई फ्लायर है ना भाई? ये नहीं नहीं, वो ऐसा ही 100 पीस है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके फाइन। माशाल्लाह, इसमें से पल्टर कौन कौन है भाई इसके अंदर? जो पल्टर नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर पल्टर है इसके अंदर, माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो लाइंस है वो इराकी लाइंस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पे गुजरात में, जो भी सेटअप पे मैंने देखा है इराक के कबूतरों का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन है यहाँ पे, ईरान के नहीं इराक के कबूतरों का, जो काली आँख वाले वहाँ के होते हैं इराक वाले, टिपलर्स ज़्यादातर जो जिनको बोला जाता है उनका। ये देखिए भाई, ये कबूतर देखिए, माशाल्लाह, ये देखिए भाई कबूतर, खूबसूरती और परफॉर्मेंस साथ में है भाई, माशाल्लाह। ये देखिए किस तरीके से नाच रहा है, और यहाँ पे भी आपको देखने के मिलेंगे कासनी वाले, वाइट वाले, ये आ गया भाई बिस्मिल्लाह। ये देखिए लाल वाला जो देखे थे हमने वो है, तो अभी तो ये ऑफ सीज़न है, इनको उड़ाया नहीं जा रहा है, ये बस इसी तरीके से भाई खोले जाते हैं और इनको बंद कर दिया जाता है शौक़ के हद पे। अभी इनको थोड़ा सा दाना डाल के देखते हैं, चलिए उतारते हैं इनको नीचे थोड़ा सा। आओ आओ आओ, ओ भाई माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए भाई, ठीक है, तो किस तरीके से कबूतर बैठे हुए सारे यहाँ पे सामने, वहाँ देखिए भाई वो हमारा खूबसूरत वाला कबूतर इधर बैठा हुआ है, वाइट नोक वाला, माशाल्लाह। आओ आओ आओ, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। एक चीज़ आपको दिखेगी गुजरात में जो भी कबूतर देखेंगे, खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है, वो देखिए पीछे सहारनपुरी आ गया, कोई आंटी वहाँ पीछे से बिल्डिंग पे आ गई तो सारे भाई कबूतर उड़ गए यहाँ पे,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए भाई, ठीक है, बहुत खूबसूरत कबूतर। ये देखिए आगे नीचे, आओ 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 आओ, आओ। ये आ गया भाई हमारा खूबसूरत। भाई वो जो सामने नाच रहा है वो व्हाइट वाला आपका हाईएस्ट परफॉर्मर वही है ना? हाँ वही है, वही है, वही है। ये वाला है मेरे पास, लाल जीरा है। हाँ ये लाल जीरा भाई जो हमने देखा था जोड़े वाला, ठीक है। और मेरे पास ये वाला, ये लाल जीरा है, ठीक है। और अंदर बैठे हुए हैं, और अच्छा। पे बैठा है कोई। हाँ हाँ ये देखिए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए तो ये जो आप वाइट देख रहे हैं सामने, ये वाला त्री पेदाल, ये जो वाइट देख रहे हैं ना, ये भाई का सब में हाईएस्ट परफॉर्मर है घर का, मेल जो देख रहे हैं आगे। नहीं 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 काफी का माशाल्लाह। ये देखिए भाई, भाई शाबाश शाबाश माशाल्लाह। इसको पता है, इसका वीडियो ले तो आके अच्छे से पोज दे रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए भाई यहाँ पे लाल वाले कबूतर, ये भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत भाई कबूतर माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए भाई, ठीक है। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, अभी काफ़ी बड़ा भाई वीडियो हो चुका है। ये देखिए भाई, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और छत से भी आपको बताएंगे शौक, कोशिश करेंगे। तो आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे शौक करवाया हमें कबूतरों का। ये भाई हमारे निसाबरे, एक बार फिर से स्टैंडिंग आप देख लीजिए, इनका पोस्चर किस तरीके से होता है। इनको अगर इस तरीके से निकालते हैं बाहर तो ये देखिए भाई, ठीक है। तो ये थे निसाबरे कबूतर, आप देखिए इनका थोड़ा सा, इनको बाहर छोड़ते हैं एक बार। नहीं ये बाहर जाने के लिए तैयारी नहीं है, कोशिश करते हैं इनको बाहर छोड़ने की। साइज़ देखिए आप कबूतर का, ये देखिए भाई साइज़, ठीक है, इतना बड़ा साइज़ आएगा। आसिफ भाई इसको थोड़ा सा बाहर छोड़िए, बाहर इनको बाहर निकालते हैं माशाल्लाह। हाँ ये देखिए भाई निसावरे कबूतर ऊपर बैठ गया, ठीक है, वो एक है, इसकी यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बाय बाय कबूतर।